नमस्कार दोस्तों, आज हम मसाला झींगा मछली बनाने जा रहे हैं जो सारी मछलियों में से सबसे ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए 250 ग्राम झींगा लिया है, टमा टमाटर, प्याज, हरा धनिया पत्ता, नमक, चिकन मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, 10 कलियाँ लहसुन का, 1.5 इंच अदरक, तेज पत्ते। कढ़ाई में तेल डाल लेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेंगे, इसमें झींगा मछली डाल लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे, प्रॉन्स को अच्छे से भून लेंगे। चलाते रहे, प्रॉन्स भून गया, इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा और तेल डालेंगे, तेल गरम हो गया, तेज पत्ते डाल ले। अब प्याज डालेंगे, प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें मसाले डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, बारीक कटा हुआ टमाटर, इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला भुनने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले को चलाते रहें, मसाला भून गया है, टमाटर भी गल गया है। अब इसमें झींगा मछली डालेंगे, मसाले के साथ 2 मिनट झींगा मछली को भून लें, स्वाद अनुसार नमक, अब इसमें पानी डालेंगे, हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। इसे 7 से 8 मिनट पकाएंगे, बीच बीच में चला ले। मसाला झींगा मछली तैयार है, गैस बंद कर लेंगे। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व करें।